आज हम बनाने जा रहे हैं गुजरात की फेमस भाकरवाड़ी आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया है एक कप और ले लेंगे ये मैंने गेहूं का आटा लिया है आप चाहे तो मैदे से बना सकते हैं मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ भाकरवाड़ी और ये मैंने वन फोर कप मैंने ऑयल लिया है इसको डाल देंगे और मैंने थोड़ा सा अजवाइन ले ये डाल देंगे इसमें क्रश करके अब तेल को हम आटे में मिला देंगे अच्छे से जब तक ये बंधने ना लगे इसमें हमें तेल डालना ज़रूरी है ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है भाकरवाड़ी इसको अच्छे से मसल मसल के हमें तेल को मिला लेना है ये देखिए हमारा आटा बढ़ने लगा है अच्छे से अब आटे को हम गूंध लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें आटा टाइट गूँधना है आप भाकरवाड़ी मैदे से ही बना सकते हैं मैं यहाँ पर आटे से बना रही हूँ इसमें हम आधा टी नमक डाल देंगे मैं नमक डालना भूल गई थी अभी पूरी तरह से आटा हमने गूँधा नहीं है नमक डाल के हम इसको गूँध देंगे अच्छे से हमें आटे में नमक ज़्यादा नहीं डालना है थोड़ा डालना है क्योंकि मसाले में नमक रहेगा इसलिए ये देखिए मैंने आटा गून लिया है आटे को मैंने टाइट गूँधा है अब इसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे पर हम ऑइल लगा देंगे हल्का सा आटे को हम ढक के रख देंगे अब चलिए हम मसाला बनाते हैं ये हमने सारे मसाले ले लिए हैं दो चम्मच हमने धनिया लिया है एक चम्मच रेड चिली पाउडर है और आधा चम्मच सौंठ है और ये डेढ़ चम्मच मैंने सौंफ लिया है एक चम्मच खसखस लिया है डेढ़ चम्मच चीनी ली है और ये मैंने आमचूर का पाउडर लिया है धा चम्मच और ये मैंने थोड़ी सी काली मिर्च लिया है सारे मसाले मैंने जार में डाल दिए हैं एक छोटे चम्मच मैंने जीरा लिया है ये डाल देंगे और ये हमने हींग लिए हैं ये डाल देंगे ये हल्दीराम की हींग है ये ज़्यादा पता चलता है इसलिए हमने बहुत थोड़ा लिया है और ये टेस्ट अनुसार नमक डाल देंगे और ये दो लाल मिर्च है ये डाल देंगे अब चलिए पीस लेते हैं मसाले को ये देखिए मसाला हमारा अबन के तैयार हो गया है अब चलिए हम बनाना शुरू करते हैं आटे को रखे हुए दस पंद्रह मिनट हो गए हैं अब हम भाकरवाड़ी बनाते हैं ये हमने एक चम्मच गेहूँ का आटा लिया है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के घोल बना लेंगे ये देखिए घोल को हमने बना लिया है घोल को ज़्यादा पतला नहीं बनाया हल्का गाढ़ा ही बनाया है जब हम भाकरवाड़ी बनाएंगे रोल करेंगे तो ये लास्ट में चिपकाने के लिए काम आएगा अब चलिए हम बेल लेते हैं पहले अच्छे से इसको हम गोल कर लेंगे बेल लेंगे हम इसको हमें ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है मीडियम साइज़ का ही बेलना है इसको हमें बेल लेना है ऐसे लंबा सा बड़ा सा ये देखिए मैंने लंबा बेल लिया है ना ही ज़्यादा मोटा रखा है ना ही ज़्यादा पतला रखा है अब चलिए इसके ऊपर हम जो हमने मसाला बनाया था वो लगाते हैं ये जो मसाला बनाया था इसके अंदर हम ये तिल डाल देंगे थोड़ा सा तिल ले रखा है इसको डाल के हम मिला देंगे इसको आप चाहे इसमें पीस लीजिए या ऊपर से मिला लीजिए आपकी मर्जी मैंने इसमें ऊपर से मिलाया है और इसमें पीस भी सकते हैं ऊपर से मिला सकते हैं दोनों कर सकते हैं अब चलिए सबसे पहले इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे और ये जो मसाला हमने बनाया था इसको डाल देंगे अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ ये देखिए मसालों के मैंने चारों तरफ फैला दिया है अब जब भी बनाएं पहले ऑयल लगा दें नीचे उसके बाद मसाले को फैलाएं तो अच्छे से चिपक जाएगा ये अब इसको हम रोल कर लेंगे हमें इसको टाइट रोल करना है अब हल्का सा यहाँ हम बैटर लगा देंगे और इसको ऐसे चिपका देंगे ये देखिए अच्छे से हमारा ये चिपक गया है अब इसको हम काट लेंगे ये देखिए मैंने काट दिए हैं सारे को इसको हल्का हल्का पा आप चाहे दबा दीजिए ये देखिए ये देखिए मैंने पीस पीस में काट लिया है अब इसी तरह हम सारे बना लेंगे उसके बाद फ्राई करेंगे ऐसे एक और बना लेंगे इसको रोल कर लेंगे पेड़े को फैला लीजिए ऐसे बेल लेंगे हम हेलो दोस्तों आप सबको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें ये देखिए मैंने बेल लिया है अब इसको पर तेल लगा देंगे हमने जो मसाला ले रखा था इसको डाल देंगे ऐसे फैला के ऐसे दबा देंगे मसाले डालने के बाद हाथ से ऐसे दबा देंगे ताकि मसाला जो है वो सारा चिपक जाए आटे में एकदम टाइट टाइट हमें रोल करना है साइड से भी ऐसे टाइट टाइट की रोल करना है साइड से पकड़ के देखिए इसको रोल कर देंगे अच्छे से हल्का सा यहाँ पे आटे का गोल लगा देंगे जो हमने बनाया था ऐसे लगा देंगे ऐसे टाइट चिपका देंगे और हम ऐसे ऐसे दबा देंगे ताकि खुले ना एकदम अच्छे से चिपक जाए अब इसको हम काट लेंगे ये देखिए मैंने इतने इतने साइज काटे हैं आप चाहे अपनी मर्जी से थोड़ा सा पतला भी काट सकते हैं या थोड़ा सा मोटा ये देखिए मैंने बना लिया भाकरवाड़ी इसी तरह इसके लेयर देखिए एक एक लेयर इसकी दिख रही है हमें ऐसे ही बनाना है हमें थोड़ा पतला बेलना है उसके बाद हमें इसको अच्छे से दबा के रोल करना है ये देखिए एक एक लेयर दिख रही है ऐसे हमें सारे बना लेने हैं इसको हम प्लेट में रख लेंगे उसके बाद और बना लेंगे फिर एक साथ हम फ्राई करेंगे ये देखिए मैंने पहले से बना रखे थे अब और बनाए हैं अब इसी में रख लेंगे हम ये देखिए भाकरवाड़ी मेरे बने हुए हैं ये देखिए तेल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था पहले से अब इसमें चेक कर लेंगे ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है तेल एकदम बहुत ज़्यादा गर्म होना नहीं चाहिए एकदम थोड़ा ही गर्म होना चाहिए अब इसमें हम डाल देंगे भाकरवाड़ी एक एक करके फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है तेज़ नहीं करना है जब ये हो जाएगा हल्का उसके बाद हमें मीडियम कर देना है फ्लेम को आपका जितना ऑयल में आ जाए उतना आप डाल दीजिए इसमें इसे हमें स्लो फ्लेम पे पकाना है पहले ये देखिए भाकरवाड़ी हमारी ब्राउन हो गई है हल्की थोड़ी सी और ब्राउन हो जाए ये देखिए भाकरवाड़ी हमारी अच्छे से होके ऊपर आ गई है भाकरवाड़ी को हमें जब डालते हैं तो उसके बाद हमें इसको हिलाना नहीं है वो अपने आप ही हल्का सा हो के ऊपर आ जाएगा ये देखिए हल्का सा ब्राउन हो गया है थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे भाकरवाड़ी हमारी हो गई है अभी इसको निकाल लेंगे हम ये देखिए अच्छे से ब्राउन हो गई है देखने में कितना अच्छा लग रहा है फ्लेम को हमने कम ही रखा है दोबारा से डाल देंगे और भाकरवाड़ी आधी पक के ऊपर आ गई है अब फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसको थोड़ी देर चला देंगे भाकरवाड़ी हमारी हल्की ब्राउन हो गई है अब इसको दस मिनट बाद निकाल लेंगे दस मिनट हो गए हैं भाकरवाड़ी को पकते हुए अब इसको हम निकाल लेंगे ये देखिए भाकरवाड़ी हमारी बनके तैयार है एक बार आप घर पे बना के देखिएगा आप बाजार से लाना भूल जाएंगे घर में ये हेल्दी भी है मैंने ये गेहूं के आटे से बनाया है मैदे से नहीं बनाया है आप सबको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू